एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो लास्ट टू लास्ट यानी कि बहुत पहले ना मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक नहीं दो से तीन वीडियोस मैंने बनाए थे जो कि मेरे स्किन केयर कलेक्शन के बारे में जो था। तो वहाँ पर ना हेयर केयर कलेक्शन के ऊपर भी मैंने बनाई थी। तो यही वाला जो क्लिप है ना, ये उसी का है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो चैनल पर है वो वीडियो, आप जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो आज की जो वीडियो है ना, वो होने वाली है सिर्फ स्किन केयर के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे पास जो स्किन केयर का कलेक्शन है, जिसमें होगा सनस्क्रीन और क्रीम, नाइट क्रीम, डे क्रीम, सीरम, टोनर, स्क्रब, ये सब कुछ होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले ना आप यहाँ पर देख लीजिए कितना सारा कलेक्शन है। तो ये सारा कलेक्शन इसलिए है मेरे पास क्योंकि आप जानते हैं कि मैं जो वीडियोस है मोस्टली स्किन केयर के ऊपर बनाती हूँ, तो ब्रांड्स के जो है वो कोलैबोरेशन के लिए भी आते हैं ना, तो इसकी वजह से इतने इतने जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो जमा हो चुके हैं। तो जो मैं रिव्यू शेयर करती हूँ ना, वो ऑनेस्टली होता है क्योंकि मैं उसको ना यूज़ करने के बाद ही आपके साथ उसका जो रिव्यू है वो मैं शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, उस दिन जो है हम लोग ना सफाई कर रहे थे, तो काफ़ी सारे जो है इस तरीके से हम अलग अलग करके रख रहे थे। तो फिर मैंने क्या सोचा कि मैं भी ना वीडियो बना लेती हूँ, तो आप सभी के साथ शेयर भी कर लूँगी। और ये लास्ट वीडियो रहेगा, ये काफ़ी टाइम पहले मैंने इसको शूट किया था बट मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि आज एडिट कर ही लेते हैं फाइनली, और एडिट करके आप सभी के साथ मैं शेयर कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ये वाला सेक्शन आप देख सकते हैं, ये है सिर्फ और सिर्फ फेस वॉश का। तो इसमें ना सारे फेस वॉश रखे हुए हैं अलग अलग ब्रांड्स के, और अलग अलग तरीके के जो है ना सारे इसमें फेस वॉश है, और स्किन केयर के अकॉर्डिंग भी जो है इसमें अलग अलग है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ना यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है फैब सीक्रेट का ये क्रीम है, जो कि मेकअप के पहले आप ना लगा सकते हो। ये थोड़ा सा वाइटनिंग इफ़ेक्ट देता है बट ये मुझे उतना ख़ास पसंद नहीं आया क्योंकि ना ये लगाने के बाद थोड़ा सा अजीब सा फील होता है स्किन के ऊपर। तो ना ये है सारे टोनर, नहीं सॉरी, ये जो है ना सारे मॉइस्चराइजर्स हैं जो कि प्लम की तरफ से मुझे रिसीव हुए थे। ये तीन से चार जो है मेरे पास है, तो ये काफ़ी अच्छा है, ऑयल फ्री है। और इसके बाद ना ये है ओले की वाइटनिंग क्रीम, नेचुरल वाइट वाली, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना मैं कंटिन्यू यूज़ करती हूँ और काफ़ी सालों से यूज़ करती हूँ। ये जो सेबो जेल है ना, इसका रिव्यू आई थिंक मैंने शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर। और ये है गुड वाइब्स की क्रीम, डी टैन क्रीम है ये, काफ़ी अच्छी है, ट्रायल के लिए आई थी बट अच्छी है। और उसके बाद ना ये है बायो आयुर्वेदा का आई थिंक ये आई क्रीम है, इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, और बस इसका एक शॉर्ट्स आई थिंक मैंने शेयर किया था, तो इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया हुआ है। इसकी नाइट क्रीम भी है, डे क्रीम भी है, और आई क्रीम भी है, थोड़ा सा ऐसा चिपचिपाहट सा लगता है। और उसके बाद ये है डे क्रीम, इसकी पैकेजिंग ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, और ये काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है आपके स्किन के ऊपर। और इसके बाद जो है मेरे पास ये है यंग फॉरएवर, इसका डिटेल रिव्यू मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर, और ये सच में काफ़ी अच्छी क्रीम है, इसको आप यूज़ कर सकते हो आपके स्किन केयर के लिए। ये जो है ना मेरे पास दो दो रखी हुई है। और इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पर ब्लू नेक्टार का एंटी एजिंग क्रीम, और ये ना बहुत अच्छी क्रीम है, और इसके अंदर ना काफ़ी सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स वगैरह हैं जो कि आपके स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इसकी डिटेल्स, इसका जो है आई थिंक डिटेल रिव्यू मैंने शेयर नहीं किया हुआ है बट मैं कर लूँगी। तो ये है, और इसको अभी मैंने यूज़ नहीं किया है ज़्यादा, मैं अपनी मम्मी के लिए मम्मी को कह रही थी इसको यूज़ कर लो बट उन्होंने अभी तक यूज़ नहीं किया। और इसके अलावा यहाँ पर है अस्थाबेरी वाला एंटी एजिंग क्रीम, इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। और ये है पिलग्रिम का नाइट जेल क्रीम, इसका रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, इसकी ना फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है, मुझे तो बहुत पसंद आती है, मैंने इसको एक से दो बार ही यूज़ किया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर है ये पिलग्रिम का ग्लो मॉइस्चराइज़र,
और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत ज़्यादा डार्क है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, मुझे इसकी बस फ्रेग्रेंस की वजह से पसंद नहीं आता है, अदरवाइज़ स्किन के ऊपर काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट होता है इसकी वजह से। और ये डेली यूज़ के लिए ना ये है पॉन्ड्स की क्रीम, तो ये इतना यूज़ नहीं होता है बट वो भी रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर है निया का ये डे क्रीम, जो कि इसके अंदर SPF 50 है, और ये इसको लगाने के बाद ना थोड़ा सा जो है ना बर्निंग सेंशन आता है स्किन के ऊपर, थोड़ा सा जलन होती है, तो बट मैंने इसको पूरा यूज़ किया हुआ है क्योंकि इसमें SPF था तो इसकी वजह से। और यहाँ पर जो है ये है मॉइस्चराइज़र, तो इसके अंदर ना कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है बट ये काफ़ी अच्छा जो है वो मॉइस्चराइज़र है, आपके स्किन के ऊपर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है उससे। और इसके अलावा यहाँ पर आते हैं अभी यह है कुमकुम आदि फेशियल ऑयल, और ये पैशन कौन सा ब्रांड था मैं भी भूल गई हूँ, इसका काफ़ी टाइम हो गया है, इसको भी मैंने 1 से 2 बार ही यूज़ किया था। और ये जो ओजन सिग्नेचर की तरफ से ना ये फेशियल ऑयल मैंने ना 2 से 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ, 2-3 बॉटल भी इसकी यूज़ कर चुकी हूँ, मेरे पास अभी भी 2 से 3 बॉटल्स और भी रखे हुए हैं। काफ़ी अच्छा ऑयल है वो फेशियल ऑयल, आप विंटर्स में ना लगा सकते हो क्योंकि विंटर्स में आपकी स्किन जो है काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अब ये जो सेक्शन है ना ये पूरा बॉडी लोशन के लिए है, तो इसके अंदर जो है सबसे पहले आपको मैं दिखाती हूँ ये है पिलग्रीम का बॉडी लोशन, तो इसका भी जो है ना थोड़ी सी फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें पसंद नहीं है इतनी। और यहाँ पर जो है ये फ्लेयर का जो है एवोकाडो का ये बॉडी लोशन है, तो ये भी जो है ना अच्छा है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर। और इसके बाद जो है यहाँ पर है पिलग्रीम का ग्लो बॉडी ऑयल, अब कुछ लोगों को बॉडी लोशन लगाना पसंद आता है और कुछ लोगों को बॉडी ऑयल लगाना पसंद होता है, तो आप जो है अगर आपको बॉडी ऑयल पसंद है तो आप इस तरीके से जो है बॉडी ऑयल यूज़ कर सकते हो अपने स्किन के लिए, तो आपकी स्किन जो है ये आपकी स्किन को जो है ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट करता है और स्मूथ बना देता है। उसके बाद ये है लिलीज़ का बॉडी लोशन, जो कि इसकी फ्रेग्रेंस ना बहुत ही अमेजिंग है, और निव्या के बारे में तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और ये ब्रांड एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इनका भी जो बॉडी लोशन है ना काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद जो ये बॉडी योगर्ट है इसको मैंने एक ही बार यूज़ किया है, एज सच उतना पसंद नहीं आया। और उसके बाद ना ये है फेस वॉश, तो अलग अलग टाइप्स के अलग अलग फेस वॉश रखे हुए हैं अलग अलग स्किन कंसर्न के हिसाब से। और यहाँ पर ना ये है आई थिंक बॉडी क्रीम है ये, तो ये भी मुझे उतनी पसंद नहीं आई है। और ये जो है ये इसका मैंने शॉर्ट्स शेयर किया हुआ है, तो ये अलग अलग वैरायटीज़ के हैं ये फेस वॉश, और आप अपने स्किन कंसर्न के हिसाब से ना यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला ट्रे आप देख सकते हैं, इसके अंदर है सनस्क्रीन लोशन, बॉडी लोशन, बॉडी योगर्ट, ये सब कुछ जो है इसके अंदर है। और ये जो है ना ये सनस्क्रीन है इसकी तो बहुत ही बेकार स्मेल थी, और ये जो है डॉटनकी का विटामिन सी प्लस ई सनस्क्रीन है, और ये है वाटरमेलन सनस्क्रीन, ये दोनों भी अमेजिंग है। और ये है फूट क्रीम, ये मैंने अभी तक अप्लाई नहीं करी। और उसके बाद ये है बोरोप्लस, इसको तो क्या ही बताएं, बचपन से देखते हैं इसको। और इसके बाद यहाँ पर है वाओ का एलोवेरा जेल, और ये दोनों ये जो है ना तो सेम ही है वैसे, लेकिन ये सच में बहुत अमेजिंग है, आप सच में इसको यूज़ करके देखिएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है आपकी स्किन के ऊपर। और यहाँ पर है मेरे पास डॉटनकी का मॉइस्चराइज़र, और ये ना एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा ऑयली नहीं है, और ये बोरोप्लस ब्रांड का एलोवेरा जेल है, ये मुझे उतना ख़ास पसंद नहीं आया, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है उसके अंदर। और ये है नीम एंड तुलसी का जेल मॉइस्चराइज़र, इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और यहाँ पर है ये निव्या का मॉइस्चराइज़र, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लोग इसको यूज़ कर चुके हैं, काफ़ी फेमस ब्रांड है। और ये वाइटनिंग सोप है, और ये पैरा सॉफ्ट की तरफ से भी सोप है, और इसके बाद ये है एलोवेरा जेल, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने ना परफ्यूम वगैरह यूज़ किया है तो मुझे इसलिए पसंद नहीं है वो। और ये आप देख सकते हैं डॉट एनकी के 3 अलग 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 जो है ना वो मॉइस्चराइज़र है, ये 72 आवर्स के आवर्स तक जो है ना ये आपको मॉइस्चराइज रखता है आपकी स्किन को,
तो ये लिटरली काफ़ी अच्छा है और डॉट एंड गी के सारे प्रोडक्ट मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। और यहाँ पर है नेचर फॉर टेंचर का ये डे क्रीम है आई थिंक, और इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है क्योंकि मुझे ना दालचीनी वाली फ्लेवर मुझे नहीं पसंद आती है बिल्कुल, वो ठीक वैसे ही रखी हुई है क्रीम। और इसका तो मैंने बता ही दिया आपको, तो ये जो सारा सेक्शन है ना ये सारा क्रीम के लिए है। और यहाँ पर है प्योर सेंस का ये फेस क्रीम, तो इसके अंदर SPF 20 है और इसका जो रिव्यू है मैंने डिटेल में दिया हुआ है अपने चैनल पर। काफ़ी स्मूथ क्रीम है, काफ़ी अच्छी क्रीम है और ये है ग्रीन टी क्रीम, और इसका भी जो रिव्यू है मैंने डिटेल में जो है अपने चैनल पे अप्लाई सॉरी अपलोड किया हुआ है, तो आप जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। ये है आउटर बॉक्स विटामिन सी प्लस ई का जो है ना वो वाला, तो ना इसका ये जो है ये इनर पैकेजिंग है और इनकी जो पैकेजिंग है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही क्यूट बॉटल आती है इनकी। और ये वाला सेक्शन आप देख सकते हैं, इसमें है टोनर और लिप बाम, ये सब कुछ है लिप बाम वगैरह। और यहाँ पर ना सारे स्क्रब्स और फेस पैक रखे हुए हैं। और ये है देखिए प्योर सेंस का रोज़ वाटर, जो कि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही फ्रेश लगता है इसको जब आप यूज़ करते हो अपने फेस के ऊपर। और ये है बायोटिक का अंडर आई क्रीम और इसको भी मैं करंटली यूज़ भी कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है। और ये जो है ना जैसे कि मैंने हमेशा मैं बताती हूँ कि मैं जितने प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ वो केमिकल फ्री होते हैं, पैराबेन फ्री होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो अच्छा होता है आपके स्किन के लिए। और ये सारे के सारे जो है ना वो टोनर्स हैं। और ये है अल्प्स गुडनेस का अंडर आई जेल क्रीम, तो ये भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इसका रिव्यू भी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। और ना गाइज़ ये जो है ये इसका एप्लीकेटर ना काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इजीली जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपने अंडर आईज़ पर। और ये है पिलग्रीम का अंडर आई क्रीम, तो इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है, काफ़ी अच्छी क्रीम है और काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस भी है। और ये है पिलग्रीम का लिप सीरम, ये मुझे उतना ज़्यादा खास नहीं लगा, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास 3 से 4 जो है ना ये इसके बॉटल्स पड़े हुए हैं और इसको मैं ऑलमोस्ट डेली अप्लाई कर रही थी, बट एज सच कोई इतना फ़र्क नज़र नहीं आया मुझे। और इसके बाद यहाँ पर है ब्लू नेक्टार का ये लिप चिक और आई टिंट, तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा ग्लोई फेस लगता है जब आप इसको यूज़ करते हो अपने चिक्स पर। और यहाँ पर ना लिप बाम में मेरे पास ये पिलग्रीम का बबल गम वाला लिप बाम और इसकी फ्रेग्रेंस सेम बबल गम जैसे आती है, बट वो उतना मॉइस्चराइज नहीं करता आपके लिप्स को। और यहाँ पर है ये 3 फ्लेवर वाले ब्लू नेक्टार के लिप चिक एंड आई टिंट, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ये मुझे बहुत पसंद है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है काफ़ी ज़्यादा, आपके चिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चल जाते हैं। और यहाँ पर है ये अकेन दालचीनी फ्लेवर वाला सीरम, तो ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर है ये आमंड ऑयल फेशियल ऑयल है ये, और ये भी जो है फेस सीरम था जिसको मैंने काफ़ी यूज़ किया हुआ है और अच्छा भी है वो। और यहाँ पर जो है ना यहाँ पर आई थिंक ये सारे सीरम्स वगैरह हैं, और ये जो है ये भी अगेन एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। और ये है गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है रोज़ हिप सीरम, आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। और ये जो है सीरम है ये भी सारे सीरम ही है जो काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ मैं। और यहाँ पर जो है ये इसेंशियल ऑयल है, तो इसेंशियल ऑयल जो है ना काफ़ी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग तरीके से। ये है सानफे का लाइटनिंग सीरम और ये है लिलीज़ का लाइटनिंग सीरम, लिलीज़ वालों ने तो काफ़ी सारे सीरम्स शेयर किए थे, तो उनमें से मैं सारे जो है ना यूज़ नहीं कर सकी। और यहाँ पर जो है ये आई थिंक ये ओजोन का ही है, ये फेशियल ऑयल है, वो भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। और ये जो है ये ओपन पोर्स के लिए सीरम था, उसको जो है दो से 3 बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ, उसका डिटेल में रिव्यू भी मैंने शेयर किया हुआ है। और यहाँ पर है ये ब्लू नेक्टार का कुमकुम आदि ऑयल, ये काफ़ी अच्छा ऑयल है। और इसके बाद है यहाँ पर वो सीरम जो कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, वो ग्रीन वाला। और यहाँ पर जो है ये लोग आप देख सकते हो, ये जो है विटामिन सी प्लस ई वाला है, काफ़ी अच्छा है। और ये क्रीम या फेस पैक है शायद, ये ना अच्छा है इसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।